चैनल। सो गाइस मैं हूं प्रगति सक्सेना और आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज गाइस फ्रेंडशिप डे है और आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल शेयर करती हूं। तो इस फ्रेंडशिप डे मैं आप लोगों के साथ अपनी फ्रेंडशिप की स्टोरी शेयर करती हूं। तो उसके लिए मेरे साथ कोई और भी है जो मेरे साथ मेरी स्टोरी बताएगा। तो आइए आपको मिलाती हूँ अपने बीएफ से। मीट माई फ्रेंड पुष्पेन सिंह पटेल। जो हम लोग आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे मैं आप लोगों के साथ हर चीज शेयर करती हूँ, ब्लॉग शेयर किया है, अपने बारे में शेयर किया है और कुछ चैलेंज शेयर किए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी कुछ अच्छी बातें भी बताती हूँ, उस फ्रेंडशिप डे अपनी फ्रेंडशिप स्टोरी सुनाती हूँ। तो आज हम लोग वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और हमारी जो बात जिस बात से भी आप सहमत हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करके अपनी स्टोरी बताना। तो तुम बताओगे? तो वहाँ पे ये थे हम थे और बहुत से लोग थे, मतलब सभी लोग थे जो उस टाइम पे स्टूडेंट थे, उन सबको बुलाया। तो सबका इंट्रोड्यूस हुआ था और तब शायद हमने कोई विशेष हाँ, तब हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, ना ही हम लोगों ने एक दूसरे को इंटरेस्ट दिखाया था। और उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद मैं एक महीने कॉलेज नहीं गई थी। हाँ, और ये लोग कंटिन्यू बात है एक महीने तक, जो पहले मंथ की बात होती है। एक महीने बाद ये जब नहीं तो ये अलग बैठना अलग रहना, क्योंकि कोई फ्रेंडशिप नहीं, एक महीने तक किसी को जानती नहीं थी। तो इस वजह से मैं हमेशा अलग बैठती थी। और स्पेशली मेरा जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया तो धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में पता चला। हम क्लास में रहते तो पता तो चले गई एक दूसरे के बारे में। तो मेरा मैं इसको पहली बार बता रही हूँ ये चीज़। तो जब मैं इसको मिली थी, मतलब जब हम लोग कॉलेज में गए थे और जब एक दूसरे को जानने लगे थे कि हाँ क्लास में रहते थे एक दूसरे के बारे में, इतना समझ में आता है कौन कैसा है कौन कैसा है। तो मेरा जो फर्स्ट व्यू था इसके लिए वो ये था कि यार अजीब बंदा रहता है, इसके साथ तो कभी फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती। वैसे भी मैं लड़कों से तो बात करती थी, मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 2-3 महीने किसी से वहाँ बात नहीं की, स्पेशली लड़कों से। लड़कियाँ ऐसा है कि काम पड़ता था तो जरूरी था। वैसे भी मेरे कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे स्टार्टिंग से ही। मैं लड़कियों वाले कॉलेज में पढ़ी हूँ, बालिका विद्या मंदिर से मंदिर, फिर जाके सीधे ये कॉलेज। हाँ, फिर महिला डिग्री कॉलेज, फिर अब जाके मेरा आज हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ, फिर धीरे धीरे मतलब बढ़ने लगा। 1.5 साल तक हमारी कोई बात ऐसी खास बात नहीं हुई। हाँ, इस बीच में ये होता था कि अक्सर मैं जब फोटोग्राफी का बहुत शौकीन हूँ और कॉलेज में हमारे मंदिर और गिनती बहुत अच्छी है, तो अक्सर मैं कह देता कि अच्छा इसके पास कैमरा बहुत अच्छा है, डी MI A1 और तो कैमरा भी है। तो हम लोग अक्सर मैं और अभिराम अक्सर कह देता कि फोटो निकाल लो हम लोगों की। तो एक दफे पानी हुआ था और हम लोगों ने बहुत सारी फोटो ली थी। तो उस टाइम हल्की हल्की बात हुई थी। पहले जब हम लोग कॉलेज जाने लगे थे तो पहली बार साथ फेसबुक फ्रेंडशिप हुई थी जनवरी फरवरी का। उसके बाद इंस्टा पे एक दूसरे को फॉलो किए था, क्योंकि याद नहीं, क्योंकि मैं जो बहुत जल्दी अनफॉलो कर देता हूँ लोगों को। हाँ, ये बहुत बड़े सुपर स्टार ही कहते हैं कि मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो इसने सबको अनफॉलो कर दिया, लास्ट में मैं बची थी, एक लोग फॉलो था। कह रहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो मेरे फॉलोअर में, एक आलिक कह रहा है कि मैं एक को फॉलो करूँ तो मैं तुम्हें अनफॉलो कर दे रहा हूँ। मतलब इतने बड़े बारे ये है कि ये मुझको अनफॉलो कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, सुपर स्टार है, ये किसी को फॉलो नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी कर दे रही हूँ अनफॉलो। लेकिन मेरा भी अकाउंट प्राइवेट नहीं है, इसका अकाउंट प्राइवेट नहीं, तो चल जा फॉलो कर, तो चल जा अनफॉलो कर, तो मेरे नहीं था। तो इसके बाद टिकट करने के बावजूद भी 6 महीने में हम लोग कितनी अच्छी दोस्ती हो गई कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे, बेस्ट फ्रेंड हो गए। वहां जो स्टार्टिंग हुई, मतलब स्पेशली दोस्ती ना बोले, जहां हम लोग की अच्छी कम्युनिटी थी वो हम लोगों की तो अब ये लोग अकेले थे, तो इन्होंने कहा कि कुछ कंट्रीब्यूट हमारा भी रहेगा, तो
और हम लोग ऐड हो जाते हैं, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मतलब प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा भी था इसलिए लोगों को ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं थी। और आप खुद समझिए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्योंकि डीएम ने उसको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिए थे, रिव्यू दिए थे, और काफ़ी मेहनत की थी, स्पेशली इन लोगों ने की थी क्योंकि मैं उस टाइम पे इलाहाबाद में था, लेकिन प्रोजेक्ट का काम था, मैं रात में इलाहाबाद से आया और कुछ इलेक्ट्रिक का जो काम था वो मैंने किया था, हाँ, रात तो उसका काम था वो उसने भी करा और बाकी हम लोग ने सबने मिलकर बाकी और भी लोगों ने बहुत डिस्क्रेटली इस पे काम किया था। उसके बाद हम लोग की बातचीत शुरू हुई, उसके बाद कुछ काम था जिसमें फोन किया तो वो नंबर एक्सचेंज हुए, उसके बाद रैंडमली एक दिन हम लोग की बात हो रही थी तो बातों बातों में पता लगा हम दोनों ट्रिपल्स के जाना है चित्रकूट, अब एक ही जगह सेंटर भी एक ही जगह है शायद वो चित्रकूट में एक ही जगह थी जहाँ पर पेपर होता है, तो हम लोग का वहाँ जाना हुआ साथ में, आने जाने में मम्मी से भी मुलाकात हो गई तो मम्मी से भी जान पहचान हो गई, तो दो चीज दो तीन चीज़ें इस तरह की हो गई कि घर आना जाना भी हो गया और फिर दोस्ती बनती गई, चीज़ें बनती गई और वहाँ बहुत अच्छे दोस्त हो गए धीरे धीरे करके, फिर उसका बर्थडे आया तो उसको कभी एक्सपेक्ट मतलब ये मैसेज कंफ्यूज करती, मैं कभी पैसे खर्च करता नहीं हूँ, नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं अपने पे ही खर्च करता हूँ, मेरे पास अपने पे तो कपड़े खाने के लिए चाहिए हमको, मतलब इतने चट्टू टाइप के इंसान है कि इनको सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, अगर मैं ही कह दूँ कि भाई अपने पार्टी दीजिए अपने बर्थडे की या किसी चीज की पार्टी दीजिए मुझे पार्टी चाहिए, तो भाई साहब के पास पैसे नहीं होते थे, अपने ये जितना खाने पर एक बेस्ट फ्रेंड होके एक अपने बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड है तो क्या जिस पैसे ऐसे कैसे करता था अपने लिए खर्च करते हो। देखो अभी ये बोलने लगे इसको जरूरत पड़ी थी, इसमें बोला था और तत्काल से समझ इंसान की जिंदगी में फोन लगाओ उठेगा नहीं, फोन लगाओ उठेगा नहीं, बैक कॉल कभी आई नहीं, अच्छा बैक कॉल कभी नहीं आती है, अरे वो नहीं कहने मतलब मैं कहने के मतलब ये है कि अपनी तरफ से इस बंदे का फोन नहीं आता, अभी नहीं आ सकता, मतलब फोन हाथ में है ऑनलाइन हम दिख रहे हैं और हम कह रहे हैं भाई टाइप नहीं किया है कोई तुरंत नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं रख दो फोन फोन ये है इनकी सबसे बड़ी समस्या बात हो जाएगी। तुम सेलिब्रिटी है ना, वैसे भी तुम्हें हमेशा कहता रहता है कि तुम तो सेलिब्रिटी हो, तुम्हारे 15,000 सब्सक्राइबर्स है, तुम्हें लोग इतना फॉलो करते हैं, तुम यूथ आइकन हो, तुम यूथ आइकन हो, तुम सेलिब्रिटी हो, तो भाई सेलिब्रिटी है तो अपने से क्यों फोन करेंगे। अभी आज ये बात सेंसिटिव पे कन्फेस करता हूँ, गलती हो गई, गलती से बोली तुम यूथ आइकन हो, तुम सेलिब्रिटी, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। नहीं देखिए एक बात आपको करना चाहिए, दोस्त अपनी जगह है लेकिन जो ये काम कर रही है उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, एक लड़की होकर माना जैसे शहर में यूट्यूब चैनल बनाना और 15,000 लोगों को अपने साथ बना कर रखना एक बड़ी बात है, तो उसके लिए तालियां भी हैं और दुआएं भी हैं, कामनाएं भी हैं कि ये आगे भी बढ़े। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम दोस्ती बहुत अच्छी इसलिए भी रही इसकी मेरी कि जब भी मैं थोड़ा सा अपसेट अप डाउन में रहा तो जिस तरह की मदद कर सकती थी उस तरह की मदद उसने की, इवन कभी कभी तो क्लास में अगर कभी कुछ हो जाता था तो ये लोगों से लड़ भी जाती थी, ये नहीं देखती थी कि मैं लड़की हूँ और एक लड़की ये लड़ रही हूँ, मैं नहीं दोस्त हूँ दोस्त के लिए मैं सीधी सी सुपर मैंने नहीं देखा कभी इसको इतना डाकर, क्योंकि मैं तो चाहता था नॉर्मल सबकी यूट्यूब पर है डांस और सबसे मुझे हम लोगों ने कभी सुनी है हम तो कहते थे कि चलो लोगों को हम बात करने का मौका दे रहे हैं, लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, फेसबुक बढ़ेगा और यूट्यूब चैनल बनेगा भाई क्या बात है, पॉपुलर हो रहा है तो इट्स ओके, मुझे इतना कभी नहीं लगा कि लोगों की जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती हूँ डिप्रेस्ड होती हूँ तो फिर ये रहता है कि कोई हो जिससे मैं अपनी खुल के मन की बात कह सकूँ, भड़ास निकाल गुस्सा मतलब लाल गलती हो तो मेरे पर भड़ास
इतनी गलती मेरी गलती हो तो मैं सुन ही रहा हूँ। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, अगर दूसरे को अच्छा समझ रहे हैं, समझ दे रहे हैं और इंसान अच्छा है तो दोस्ती तो किसी से हो सकती है। बस ये सोच ना ही रखना चाहिए कि एक लड़का हो दोस्त में। बस मेरी जो स्टोरी थी, जो उसका एक मोटिव था वो यही था कि हम लोगों को रिलेटेड कुछ लोग काफ़ी, मेरे केवल फ्रेंड्स नहीं रिश्तेदार भी थे जो लोग देखते थे ऐसा वैसा, तो मुझे लगता है उन सब के लिए था कि भाई साफ साफ सुन लो आप लोग, एक बहुत ही अच्छे शब्दों से बोल रही हूँ कि हम लोग हमेशा फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स रहेंगे। आप लोगों के बोले से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हम वो लोग नहीं है जिसको हम चार लोगों की सुन के रह जाते हैं। तो चार लोग हैं कौन आज तक पता नहीं चला। हाँ तो भाई उन लोगों के लिए आप लोगों के लिए है कि आप लोग कोई भी चीज इसलिए मत करो, इसलिए छोड़ दो कि वो चार लोग क्या कहेंगे या समाज आप लोग अपने मन की सुनिए। अगर आप लोग छोटे शहर इंसान चाहिए समझने वाला और दोस्ती बहुत जरूरी होती है। दोस्त बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में। मैंने हमेशा ये सीखा है कि दोस्त से बढ़कर फैमिली होती है, मैं मानती हूँ, पर दोस्त भी अपनी जगह एक अलग ही किरदार निभाता है। तो मुझे तो लगता है कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए उनके दोस्तों को, क्योंकि दोस्त एक ऐसा रिश्ता होता है, एक बार वो इंसान फैमिली को नहीं बता पाएगा, डर के मारे नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर इंसान का दोस्त नहीं है ना तो उसके पास कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही फैक्ट बात है कि अगर उसके पास दोस्त नहीं है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि कैसी लगी, बताइएगा जरूर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है स्टोरी पर, बहुत मेहनत की। सबसे ज्यादा मेहनत मैंने इसको मनाने में की है, भाई बना रहा है और ऐसी सी बात है, तो पहले तो उनके भाव खाने पड़े कि यार भले ही कम लोग जानते हैं पर मैं जानता हूँ, मैं एक स्टार हूँ, लोगों का एनालिसिस करता हूँ, लोगों का विश्लेषण करता हूँ, उनकी जिंदगी को एक पैमाने करता हूँ। सबसे बड़ी चीज मैं एक चीज नहीं करता हूँ, मैं किसी भी इंसान को देख उसकी इमेज नहीं बनाता, उनकी दृष्टि भी बहुत बड़ी चीज होती है। हर बुरा इंसान किसी न किसी के लिए अच्छा होता है, रावण के अपने बच्चों के लिए अच्छा था, पहली बात में के कारण उसको मिलती हुई, तो इसीलिए किसी भी इमेज में मत कर मत रहा। और बहुत सी चीज़ें हैं जो कभी मैं फेसबुक पे ही लिखता हूँ, तो अगर आपको चीजों को समझना है, जिंदगी को समझना है, तो फेसबुक पे इनके पेज में जरूर जाइए, पेज को लाइक कीजिए और एक एक कुछ हो जाए सुना दीजिए दोस्ती के ऊपर। मैं छोटे से वक्त घर से थोड़ा सा कम जुड़ा हूँ, क्योंकि कारण पता नहीं जो भी रहा, लेकिन दोस्तों से बहुत टच में रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि मित्रता एक रिश्ता है, जो निभा दिया वो फरिश्ता है। हमारी जो स्टोरी थी वो यहाँ कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, अगर हम उसके आंसर देंगे और देखते हैं कितना हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग के आंसर मैच करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी ये वाला चैलेंज। एक दूसरे का मेन फूड फेवरेट। राजमा चावल या थोड़े चावल को पसंद है बताओ। नहीं है क्या पसंद है? पसंद है मतलब ये नहीं कहेंगे कि नहीं। सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सबसे ज्यादा क्या पसंद है इसको पता नहीं ना, बंदे ने सब कुछ लिख दिया। राजमा चावल ना होगा थोड़ा चावल होगा कुछ तो होगा। मुझे खाने में सब कुछ पसंद है। ये देखो जी जी है मतलब एक्चुअली मतलब खाना फेवरेट खाना होता है जिसके मर्डर कर दो तो वो जंक फूड है मेरे पास। हां कौन सा? व्हाइट सॉस पास्ता। वो डोमिनोज का व्हाइट सॉस पास्ता मुझे बहुत पसंद है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। तो अब मेरी बारी है, तो मैंने यहाँ पर ठीक है तुम बताओ ये खाने में पनीर सबसे फेवरेट
शाही पनीर बहुत पसंद है। मेरा सही है लगे। एक दूसरे का ब्लड ग्रुप। Is it right? देखो वो ब्लॉक पॉजिटिव। हाँ हम दोनों का ब्लॉक पॉजिटिव। सेम कर दो। एक दूसरे की बुरी आदत। कंप्लीट। पहले हम देखा। कभी भी फोन कर नहीं सकती। चाहे जितनी भी आप समस्या में तो पता नहीं चलेगा। दूसरा बिजी बहुत रहती है। अक्सर फोन लिए नहीं किया था कि मैं बिजी थी इस काम में। और अच्छी लगती है। मैं कुछ बात करता हूँ। मैं पता मुझे पता है ये की तो बुरी आदत है। मुझे सबसे बुरी आदत है। मुझे सच में बहुत बुरी लगती है क्योंकि इसी के कभी कभी फोन नहीं उठाती। मुझे मैं ज्यादा परेशान होती हूँ या किसी चीज को सोचना रहती है और पता चला फोन खा लिया और इसके साथ ज्यादा बकवास और मेरा सारा मतलब दिमाग का जितना भी अच्छा कचरा साफ हो जाता है। जितना भी अच्छी चीज होती है वो कचरे में बदल जाती है। दिमाग में चलता नहीं है इसीलिए मैं फोन नहीं उठाती। कभी कभी हर इंसान के फायदे होते हैं। कचरा साफ करने के लिए भी मुझे फोन करना पड़ता है। दोनों की अच्छाई जुमले में भी कोई अच्छा मिली नहीं है। देखने आगे क्या होता है। मुझे बहुत अच्छा ही मुझे पता है क्या अच्छा लिखी है इसमें। ये लिखा सच लिखा है। देखो जो हाँ, हट तेरी की। नहीं देखिए बहुत अच्छा ही है। केयरिंग नेचर है और सपोर्ट बहुत अच्छा है इसका। और ढूंढना पड़ेगा कि याद नहीं है। मरने का मन कर रहा है। चलो ये मेरा एक्चुअली मैंने इसको बिल्कुल सही सही लिखा है कि बस ये है कि जब भी प्रॉब्लम में होता है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहता है। मतलब जब भी फोन कर दो अगर टेंशन है तो भाई बंदा है मतलब हमेशा साथ देता है। तो ये इसकी अच्छाई है इसीलिए शायद अभी तक फ्रेंडशिप बनी हुई है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। गुस्से पे क्या क्या रिएक्शन। गुस्सा मुझे आता नहीं वैसे बिल्कुल भी। कम गुस्सा करता हूँ लेकिन फिर भी कभी रियल गुस्सा में आ जाता हूँ तो भी मुझे ही फोन करना पड़ता है। और जब ये गुस्सा होती है तो मुझे करना ही पड़ता है। दोस्ती है भाई क्या करेंगे। निभानी पड़ेगी। इसके अलावा मुझे कभी गुस्सा आया नहीं है। हाँ वैसे मुझे नहीं लगता कभी ऐसा चांस आया कि ये नाराज हुआ है मुझे मनाना पड़ा हो। मैंने कभी नहीं मनाया। अक्सर मुझे ही मनाना पड़ा इस चीज का। वो नजर मलाल लगा कि हमने बात नहीं की। अगर ये भी नाराज हो जाए मैं भी नाराज हो जाऊँ या कुछ हम दोनों के बीच में खटास पड़ती है तो मैं खुद से ही उसको सॉल्व करना ज्यादा सही समझता। इसलिए वो बात छोड़ देता हूँ क्योंकि इंसान अगर इंपॉर्टेंट है तो बात भूल जाओ और बात इंपॉर्टेंट है तो इंसान भूल जाओ। अगर इंसान इंपॉर्टेंट है तो हमारा ये यहीं पे खत्म होता है वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आप लोग कुछ हमारी बातों से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या पार्ट अच्छा लगा हमारी कहानी का तो ये भी जरूर बताइएगा। हाँ जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महाना किसान की बात दो आर्टिस्ट एक बार आपसे बात कर रहा है। हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मेरे फेसबुक पेज पुष्पेंद्र सिंह पटेल पे भी इनको इनका जो पेज है पुष्पेंद्र सिंह पटेल। और हम लोगों को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। हम लोग की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है तो आप लोग जरूर जाके वहाँ से चेकआउट करिएगा। एंड कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर फिर। और वंस अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और अपने किसी फ्रेंड की अगर आप लोगों की भी ऐसी कोई स्टोरी है तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो भी बनाइए। हाँ और वीडियो भी बना सकते हो कुछ। स्प्रेड हैप्पीनेस। हाँ दिस फ्रेंडशिप डे स्प्रेड हैप्पीनेस दैट्स ऑल। थैंक यू टाटा बाय। नमस्कार नमस्कार।